गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हमने लेसन नंबर 9 मोनास फार्म, मोना का खेत, अपने पहले वीडियो में इस लेसन को हमने पढ़ लिया था और समझ लिया था, और आज हम अपने सेकंड वीडियो में इस लेसन के न्यू वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर दिस क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो न्यू वर्ड्स देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, न्यू वर्ड्स और कुछ यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, उसका हिंदी अनुवाद क्या होता है उसको हमको जानना है। तो मैंने अपनी कॉपी में उसे लिखा है, तो आइए हम उसे देखते हैं। देखिए न्यू वर्ड्स, फार्म, फार्म मतलब क्या होता है, फार्म मतलब क्या होता है, खेत, ठीक है, जहाँ पे फसल बोई जाती है ना। फील्ड, फील्ड मतलब भी खेत होता है, लेकिन उसका एक और तरीके से हम उसको क्षेत्र भी बोल सकते हैं। सी है स्विंग, स्विंग मतलब होता है झूला। डी है बुलक्स, बुलक्स मतलब होता है बैल। ई है विलेज, विलेज मतलब होता है गांव। एफ है ऑफन, उसका मतलब होता है अक्सर। जी है लवली, लवली मतलब होता है प्यारा। एच है अगेन, अगेन मीन्स होता है फिर से। आई है प्लीज़, प्लीज़ मतलब होता है कृपा। तो ये है न्यू वर्ड जो कि कुछ इंग्लिश में दिया हुआ है, उसका हिंदी अनुवाद ये है। उसके बाद सेकंड जो है वो है रीड एंड राइट आंसर दिस क्वेश्चन, मतलब हमको कुछ क्वेश्चन दिए हुए उसका आंसर्स हमको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड मोना टेक हर फ्रेंड। देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड मोना टेक हर फ्रेंड, मोना अपने फ्रेंड को कहाँ ले जाती है। तो आंसर है मोना टुक हर फ्रेंड टू हर फार्म। तो मोना अपने फ्रेंड को कहाँ ले जाती है, अपने खेत में ले जाती है ना। मोना मतलब किसको, बाला को, है ना। मोना टुक हर फ्रेंड टू हर फार्म। सेकंड है वेयर डिड शी शो हर एट द, व्हाट डिड शी शो हर एट द फार्म, उसने अपने खेत में उसे क्या क्या दिखाया। तो शी शोड देम क्रॉप्स, काउ, बुलेक्स एंड स्विंग, मतलब उसने अपने खेत में उसे गेहूँ, गाय, बैल और झूला दिखाया। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड दे सी ऑन द ट्री, वे पेड़ में क्या देखते हैं। तो दे सॉ अ स्विंग ऑन द ट्री, मतलब वे पेड़ में क्या देखते हैं, झूला देखते हैं। फोर्थ है व्हाट थिंग्स डिड शी गिव टू बाला, तो उसने क्या क्या चीज़ें बाला को दी। तो शी गेव टू बाला सम फ्रेश टोमेटोस, बीन्स एंड पीस, मतलब उन्होंने बाला को कुछ टोमेटोस, बीन्स और पीस दिए, है ना। फिफ्थ है व्हाट डू दे ग्रो ऑन द फार्म, उन्होंने अपने फार्म में क्या क्या उगाया था। तो दे ग्रो क्रॉप्स लाइक वीट्स, राइस, ग्राम्स एंड सम वेजिटेबल्स। थैंक यू।